आज मैं आपके लिए चार एकदम अलग बेहतरीन मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे किसी भी त्योहार पर बनाइए और सबका मन जीत लीजिए। जैसे घेवर है, लौकी की बर्फी है, शुगर फ्री लड्डू है, और एक मिठाई बनाई है जिसमें आप बिना गैस जलाए भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं। तो आज हम इसका मेजरमेंट कटोरी से ही करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे और हम इसके अंदर आधा कप शक्कर डालेंगे और साथ में ही 10 से 12 हम काजू लेंगे, काजू भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हमने चार इलायची ली है, उसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और अब हम इसको फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है इस तरीके से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना बारीक है ना, बिल्कुल हमें इसी तरीके से फाइन पाउडर बना लेना है इसका। और हम इसमें जो डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ कि जिससे हमारी मिठाई बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही हेल्दी बनेगी। और 2 कप हम इसके अंदर मुरमुरा या फिर लाई ऐड करेंगे, आपके यहाँ जो बोलते हो मुरमुरा या लाइट, हमने वो इसमें ऐड कर दिया। और साथ में हमने आधा कप नारियल बुरादा वो भी ऐड कर देंगे इसमें, और साथ में 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो देखिए हमने सभी चीज़ों को ऐड कर दिया, अब इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए फाइन पाउडर बन के तैयार हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। और अब हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम इस पाउडर को छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे मुरमुरे वगैरह या इलायची वगैरह कुछ रह गया होगा ना, वो निकल जाएगा, जिससे क्या मिठाई बिल्कुल स्मूथ बनेगी, बिल्कुल मावे जैसी मिठाई बन के तैयार होगी। तो देखिए अब हम इसको छान लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। अगर आपके पास ऐसा वाला छानने वाले नहीं है तो जिसे अपन आटा छानते हैं ना, आप उससे भी छान सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे छानना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें निकले ना थोड़ा थोड़ा दाने दाने, तो उसको हम अलग कर देंगे, इससे मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसको हटा देंगे। तो देखिए फाइन पाउडर बिल्कुल छन चुका है और बिल्कुल स्मूथ पाउडर आपको दिख ही रहा होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये तैयार कर लेना है। और आप, मैं आगे इसमें बताऊंगी कि आप लाइक की जगह और क्या ले सकते हैं, वो मैं आपको अंत में बताऊंगी। तो देखिए अब हमने ये आधा कप मलाई ली है, जो दूध में फ्रेश मलाई निकलती है ना ऊपर, जो हम सुबह सुबह दूध में से निकालते हैं, वही मलाई हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये मैंने आधा कप लिया है और आधा कप मलाई को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें आधा कप डल जाए और या फिर उससे कम भी डले, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसके अंदर मलाई को ऐड करते जाएंगे और इसको डो की शेप ले लेंगे। जैसे इसको हम मलाई ऐड करते जाएंगे ना थोड़ी थोड़ी करके, तो बिल्कुल ये डो की तरह तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब एक मावा, आप देखिए आपको पता चलेगा कि मावा किस तरीके से लगता है, वैसा ही ये दिखने लगेगा थोड़ी ही देर में। तो देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और सारी मलाई इसके अंदर आधा कप के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दी है पूरी। तो इस तरीके से हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे क्या है इसके बिल्कुल मावे जैसा बन के तैयार हो जाएगा। तैयार हो चुका है, बिना मावे के हमने आज मावा बना के तैयार कर लिया, इसकी मिठाई बना के तैयार करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अगर ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है तो हम इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, और उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। अगर ये टाइट हो जाता है तो थोड़ा सा आप दूध भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से ये हमने तैयार कर लिया है और इसको हम साइड कर देंगे। और देखिए अब हम ये कांच का एक बाउल लिया है और अब हम इसके अंदर इस मिठाई को सेट करेंगे। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा हम घी लगा के पूरे में स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि हम इसमें मिठाई सेट करेंगे ना तो वो इसमें चिपके ना। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसको बेस में बटर पेपर भी लगा सकते हैं, जिससे कि मिठाई निकालने में बहुत ही आसान रहता है। तो हमने घी इसमें ऐड लगा दिया है, अब इसमें थोड़े से हम ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर देंगे। तो जैसे हमने बारीक चॉप किया, हमने बादाम और पिस्ता लिया है, तो इससे क्या मिठाई देखने में बहुत सुंदर लगती है। और साथ में हम इसमें थोड़ा सा केसर भी ऐड कर देंगे, केसर से क्या इसका कलर और लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो देखिए ये हमने इसमें ऐड कर दिया और हम ऊपर से जो भी हमने मावा तैयार करके रखा था ना, तो उसी को हम थोड़ा सा फ्लैट करेंगे हाथ से, दोनों हाथों में लेके इस तरीके से, और इसके अंदर इसको सेट करेंगे। देखिए इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आपको सेम वैसे ही करना है। अगर आप इस तरीके से आप बनाओगे तो आपकी मिठाई बिल्कुल बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी, कोई कह ही नहीं पाएगा कि ये मिठाई आपने घर पर बनाई है। आप एक बार बनाइए तभी आपको पता चलेगा मिठाई कितनी टेस्टी है, बिना मावे के मावे जैसी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी आपकी, और बिना गैस जलाए। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। बस 5 मिनट के लिए रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। और उसके बाद हम इसको नाइफ से साइड से कर देंगे इस तरीके से, जिससे कि मिठाई ईजिली डीमोल्ड हो जाए।
अगर आपके पास मुरमुरा या लाई नहीं है तो आप इसकी जगह पे मखाने को रोस्ट करके उसका पाउडर बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी। एक बार आप बनाइए, इस तरीके से आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप इसमें और हमने जो काजू डाला था और काजू की जगह पे आप मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही सस्ती में ये मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए आप पास से, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, देखो कितनी बढ़िया मिठाई बनी है, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी है ये, बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा। तो देखिए अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। पीसेस बिल्कुल आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज़ के आप कट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छे लगते हो। तो देखिए मैं आपको एक बार और पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल लुक वाइज आप देखिए, बिल्कुल मावे जैसी मिठाई लग रही है, लग रही है ना। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ किस तरीके की ये मिठाई के पीसेस हैं। देखिए क्या बढ़िया पीस निकल के आया ना मिठाई का। देखिए मैं आपको इसके अंदर का टेस्चर दिखाऊंगी, ये किस तरीके की मिठाई है। देखिए बिल्कुल पास से आप देखिए, बहुत ही अच्छी मिठाई बनी है। एक बार आप बनाइए, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में आप इसको खिलाइए, आपकी फैमिली में सभी को बहुत पसंद आएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर किस टाइप का है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल मावे जैसी मिठाई है। एक बार आप बनाओगे ना और घर में आप खिलाओगे, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये मिठाई आपने घर में बनाई है। देखिए बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मिठाई बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान है बनाना। सिंपल मेजरमेंट के साथ ही बनाएंगे। तो देखिए उसके लिए हमने एक कटोरी आटा लिया है और इसको हमने पहले से ही छान के रखा हुआ है, बिल्कुल फाइन है। और साथ में हमने 2 चम्मच हमने मैदा लिया है, और आप चाहो तो खाली मैदे से भी बना सकते हैं या खाली आटे से भी बना सकते हैं। और घेवर का और स्वाद बढ़ाने के लिए हमने 1 चम्मच हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। और अब हम इन चीज़ों को साइड कर देंगे। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे। तो हमने 4 चम्मच घी के साथ ही आज घेवर बना के तैयार करेंगे। तो हमने 4 चम्मच घी हम एक मिक्सर जार के अंदर ऐड कर देंगे, पिघला हुआ ही घी लेना है हमें। तो घेवर बनाने के लिए हमने 4 चम्मच घी हमने इसमें ऐड कर दिया है, और साथ में इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स भी ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे, उससे क्या है कि घी, पिघला हुआ घी एकदम से वाइट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने कर लेना है, तो जम गया ना घी। बगैर इस तरीके से करना हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप घंटों मेहनत करेंगे, हाथ से फेंटेंगे, उस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा। तो आप मिक्सी के जार में डाल के फटाफट से आप बना के तैयार कीजिए पेस्ट इस तरीके से, तो बहुत ही सिंपल तरीके से घेवर का बैटर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए जो इसमें आइस क्यूब्स थे ना और जो पानी था वो हमने इसमें से निकाल दिया है, और इस पर जो चम्मच पे लग गया था घी वो भी हमने इसी में ऐड कर दिया है। और साथ में अब हम मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर, और आटा भी ऐड कर देंगे, और हमने 1 चम्मच बेसन लिया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसके एक बार इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, जिससे कि घी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, आटे के अंदर घी बहुत अच्छे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, घी सभी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो गया। पता नहीं चल रहा ना कौन सी चीज़ क्या हमने क्या क्या मिक्स किया था, तो इसे इस तरीके से हमें करना बहुत ज़रूरी है। और अब हम इसके अंदर जो हम पानी हमने निकाला था ना, वो पानी भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और साथ में हम इसमें जो हमने 1 कटोरी हमने आटा लिया था, और तो हम 2 कटोरी इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो हमने जस्ट डबल ही हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो देखिए 2 कटोरी हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और साथ में हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच के अकॉर्डिंग नींबू हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर, और इसको एक बार बहुत अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है इसका, बिल्कुल स्मूथ बैटर है। देखिए दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल पतला है। तो अभी ये काफ़ी थिक है, इसको हम और भी पतला करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको छलनी से छानेंगे। तो देखिए हम छलनी लेंगे, और छलनी हमने एक पतीले के ऊपर रख दी है, और इसको हम बैटर को छान लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बैटर को छान लेना है। देखिए छलनी में जो भी इसमें थोड़ा थोड़ा रेशे वेशे निकलेंगे ना, वो निकाल देंगे हम इसको। देखो इसमें निकला ना, देखिए काफ़ी सारा। और जो जार में हमने थोड़ा पानी और डाल दिया 1 कटोरी, हमने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो देखिए इसमें जो निकला इसको हम साइड कर देंगे। जार के अंदर अभी हमने पानी डाला था, वो पानी भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से इसमें 3 कटोरी पानी हम ऐड कर चुके हैं। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ बैटर बन गया है, बिल्कुल पतला पानी जैसा, देखिए है ना, बिल्कुल दूध जैसा लग रहा है ना आपको। तो हमें इसी तरीके का चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का पतला चाहिए। देखिए दिख रहा है ना आपको, हमने इसे आटे से बनाया है, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दाना दाना दिख रहा है,
अगर आप खाली मैदे से बनाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल पानी जैसा, दूध जैसा दिखेगा ये, क्योंकि ये आटे का है, इसलिए थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज लग रहा है आपको, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको ठंडा रखने के लिए हमने एक बाउल में आइस क्यूब्स ले लिए और थोड़ा इसमें ठंडा पानी तो उसके अंदर डाल दिया और इसको हमने इसके ऊपर रख दिया। उससे क्या है, इस बैटर को हमें ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है, जितना ही बैटर ठंडा होगा उतने ही अच्छे हमारे घेवर बन के तैयार होंगे। तो इस बैटर को हमने इस ग्लास के अंदर डाल दिया है और अब हम एक बॉटल लेंगे। तो बॉटल को हमने देखिए, कोई भी आप पानी की बॉटल जो आती है ना बाज़ार में मिलती है, वही बॉटल हमने ले ली है और इसी के अंदर हम इस बैटर को ऐड कर देंगे। तो इस बैटर को हमने इस बॉटल के अंदर फिल कर दिया और इस बॉटल के ढक्कन में हमने छोटा सा एक छेद कर लिया है। उससे क्या है, इस बैटर को हम जिसमें हम घेवर बनाएंगे उसके अंदर डालते जाएंगे। तो जो बाकी जो बैटर बचा था वो हमने ग्लास में निकाल के रख देंगे। इसको हम इन दोनों चीज़ों को हमने फिल कर दिया, देखिए ग्लास में निकाल लिया और बॉटल में। तो इसे हमें ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है, या तो हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। देखिए इस तरीके से हमें बैटर डालेंगे कढ़ाई में तो इजीली बैटर डलता जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं डालना चाहते, आपको दिक्कत होती, तो आप स्पून से भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको साइड रख देते हैं फ्रिज में। तो देखिए अब हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए हमने एक पैन लिया है और पैन में 2 कटोरी हम पानी ऐड करेंगे। आज हम बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, कोई कप का मेज़रमेंट नहीं लेना। आपके घर में जो भी कटोरी होती है वही उसी कटोरी से आप मेज़रमेंट कर लीजिए, लेकिन आप मेज़रमेंट करते समय ध्यान रखिए एक ही कटोरी से कीजिएगा। ये नहीं कि कभी छोटी ले ली कभी बड़ी ले ली, एक ही कटोरी से पूरा मेज़रमेंट करना है। तो चाशनी बनाने के लिए हमने 2 कटोरी हमने पानी लिया था, तो हमने 2 ही कटोरी हमने शक्कर ली है और साथ में हम इसमें नींबू ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें साथ में हम 2 इलायची ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। तो इस तरीके से हमने इलायची को भी खोल के ऐड कर दिया, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए चाशनी के अंदर। और इसको हम कुक होने देंगे। जब तक कुक करेंगे जब तक ये चाशनी अच्छे से पक ना जाए। और इसमें थोड़ा सा हम चेक करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमें चेक करना। तो देखिए इसको टिप के ऊपर लेंगे, हल्का हल्का चिकनापन लगेगा और हल्का हल्का सा इसमें देखिए इसको करेंगे तो हल्का सा एक वायर जैसा दिखेगा आपको, तार सा खींचेगा। तो बस हमें इतनी ही थिक हमें चाशनी चाहिए। चाशनी बन के तैयार हो गई है इस तरीके से। तो देखिए चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है और अब हम इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पैन को हम साइड रख देंगे। तो अब हम दूसरा पैन लेंगे और ये पैन हम भारी तली वाला पैन होना चाहिए जिसमें हम घेवर बनाने जा रहे हैं। तो कोई भी बर्तन जिसमें हम घेवर बनाओ वो बर्तन थोड़ा भारी होना चाहिए, हैवी बेस वाला होना चाहिए। तो घेवर बनाने के लिए आज हम घी का यूज़ करेंगे। तो हमने पैन के अंदर घी ऐड कर दिया। आप चाहो तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन घी से क्या है मिठाइयों में फ्लेवर टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए इधर साइड में हमने बॉटल और ग्लास में हमने बैटर निकाल के रख दिया और उसमें देखिए पानी में हमने आइस क्यूब्स भी डाल दिए, क्योंकि ये बैटर ठंडा रहना चाहिए। जितना ये ठंडा होगा उतने ही अच्छे हमारे घेवर बन के तैयार होंगे। तो देखिए अब हम घी को चेक करेंगे, घी अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए इस तरीके से हमने बैटर डाला है इसमें और घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना, ना ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मतलब गैस की फ्लेम हमें इतनी रखनी है कि इसकी गैस की लौ जो बिल्कुल बाहर नहीं निकलनी चाहिए, जब बर्तन की तली तक ही रहनी चाहिए, उतनी ही हमें रखनी है। और देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से हम बैटर डालते जाएंगे इस पैन के अंदर और घेवर बनता जाएगा। तो देखिए बीच में देखिए सेंटर में हम डाल रहे हैं और सेंटर में अपने आप होल बनता आ रहा है। जैसे मैंने एक लकड़ी की स्टिक ले ली है उससे हमने कर दी, मतलब ये रही है तो उससे हम इसको कर देंगे या किसी स्पून से कर देंगे, लेकिन इसमें बीच में सेंटर में होल जरूर कर देना। उससे घेवर की जो शेप होती है ना वो प्रॉपर आएगी और बैटर भी हमें बीच में ही ऐड करना है। उससे क्या घेवर बहुत अच्छा जालीदार घेवर बन के तैयार होता है। और जितना मोटा हमें घेवर बनाना हो उतना ही बैटर हम इस पैन में ऐड करते जाएंगे इसी तरीके से, और घेवर बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। और हमें ध्यान रखना है कि बैटर हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, सारा बैटर एक साथ नहीं डालना है इसके अंदर। तो देखिए इस तरीके से हमारा घेवर बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया घेवर बना है। इस पैन को हम थोड़ा सा हिला देंगे जिससे क्या है घी ऊपर की ओर आ जाएगा, तो इसका घेवर जो है ऊपर से भी अच्छा इसका कलर आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको घुमा दिया था तो कलर इसका ऊपर घी भी आ गया, और इसे थोड़ा सा हम इसको एक स्टिक की हेल्प से थोड़ा सा पुश करेंगे तो जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि घी ऊपर तैरने लग जाएगा ना तो उससे ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाएगा। तो देखिए थोड़ी ही देर में ये घेवर बहुत अच्छे से इसका गोल्डन कलर आ चुका है। और देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको हमें किस तरीके से निकालना है। तो हमने इस वुडन स्टिक की हेल्प से ही हम इसको घेवर को इसमें से निकालेंगे इस तरीके से। देखिए क्या बढ़िया घेवर बन के तैयार हुआ है ना, जालीदार बहुत ही बढ़िया घेवर बन के तैयार हुआ है। और इस घेवर को हम इस तरीके से थोड़ी देर तक पकड़े रहेंगे जिससे कि इसका घी नीचे निकल जाए। और अब हम इसको किसी वायर रैक के ऊपर या फिर
या फिर किसी जाली के ऊपर निकाल देंगे। देखिए आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से घेवर निकालती हूँ। तो देखिए हमने घेवर को स्टिक के ऊपर ले लिया है और इसको देखिए वायर रैक के ऊपर इस तरीके से एक ग्लास की हेल्प से हमने खड़ा रख देंगे। तो उससे क्या है इसका ड्रॉप ड्रॉप करके थोड़ा थोड़ा घी नीचे निकलता जाएगा। तो इस तरीके से घेवर के अंदर बिल्कुल भी घी नहीं रुकेगा, पूरा घी नीचे निकल जाएगा। और अब हम दूसरा घेवर तैयार करेंगे इसी तरीके से। देखिए थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे और देखिए इस तरीके से घेवर बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया घेवर बनेगा इस तरीके से। तो बैटर हमें उतना ही डालना है जितने हमें घेवर की थिकनेस रखनी हो। तो देखिए पहला घेवर मेरा थोड़ा पतला बना था और ये वाला घेवर देखिए थोड़ा मोटा बनाया है मैंने। तो घेवर इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे, एक के बाद एक सारे घेवर हमारे प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। तो उसको भी हमने इसी तरीके से देखिए खड़ा कर दिया जिससे कि इसका सारा घी एक प्लेट के अंदर नीचे ही घेवर बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर शेप आई है सभी घेवर की। घेवर बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए। तो अब हम घेवर को हम प्लेट पे हमने निकाल लिया है और इसके ऊपर हम चाशनी को पोर करेंगे। हमने घेवर को चाशनी के अंदर डिप करने से क्या होता है कि घेवर पे चाशनी ज़्यादा चले जाती है, उससे क्या घेवर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। इसलिए हमें घेवर के ऊपर चाशनी को पोर करना है और इसके ऊपर थोड़े से हम ड्राई फ्रूट को स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपको ये घेवर की वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए इस तरीके से ड्राई फ्रूट वाला घेवर बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। जितना ये देखने में अच्छा है ना उतने खाने में और भी अच्छा है। और अब हम दूसरा घेवर तैयार करेंगे, मलाई वाला घेवर। तो रबड़ी मलाई वाला घेवर बनाएंगे, उसके लिए अब हम दूसरा घेवर लिया और उसके ऊपर भी हम इसी तरीके से चाशनी पोर कर देंगे। ऊपर से हमने चाशनी में डिप नहीं करना, क्योंकि चाशनी में डिप करते हैं तो घेवर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। वही तो देखिए रबड़ी तो हमने पहले से ही बना के रखी हुई थी और रबड़ी वैसे भी थोड़ी सी मीठी ही होती है, इसलिए हम घेवर के ऊपर चाशनी उतनी ही डाल ली है क्योंकि हम ज़्यादा मीठा नहीं खाते ना लोग आजकल, तो उतनी ही हमें इसमें चाशनी ऐड करनी है। और ऊपर से अब हम घेवर के ऊपर ये रबड़ी हम अच्छे से पूरे पे स्प्रेड कर देंगे, बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इसको आप चाहो जैसे आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हो उसी तरीके से आप इसको अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए। तो घेवर बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है हलवाई लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही घेवर लगेगा आपको। तो और मैंने देखिए इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा दूंगी जिससे कि बिल्कुल हलवाई जैसा ही लुक आएगा। और इस पर थोड़ा सा हमने इसके ऊपर केसर भी स्प्रिंकल कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया सा घेवर बन के तैयार हो चुका है। और साथ में ही लौकी की बर्फी और गुलाब जामुन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसमें चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। ओके बाय, थैंक यू, एक बार ट्राई ज़रूर करना।